माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कितने ही वीर थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा, इन वीरों में एक वीरांगना भी थी, दुर्गा भाभी, जो क्रांतिकारियों के हर कदम पर उनके साथ थी। दुर्गा भाभी अंग्रेजों के लिए माँ दुर्गा का दूसरा अवतार थी। दुर्गा भाभी इतनी बहादुर थी कि क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से हथियार लेकर आती थी। सुभाष चंद्र बोस से लेकर सभी क्रांतिकारी दुर्गा भाभी से ही हथियार मंगवाते थे। दुर्गा भाभी सिर्फ क्रांतिकारियों को हथियार ही नहीं देती थी, बल्कि खुद भी अंग्रेजों को गोलियों से छलनी करने की ताकत रखती थी। दुर्गावती देवी का जन्म 7 अक्टूबर सन 1907 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में पंडित बांके बिहारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे और उनके बाबा महेश प्रसाद भट्ट जालौन जिले में थानेदार के पद पर तैनात थे। उनके दादा पंडित शिवशंकर शहजादपुर में जमींदार थे, जो बचपन से ही दुर्गा भाभी की सभी बातों को पूर्ण करते थे। 10 वर्ष की अल्प आयु में ही दुर्गा भाभी का विवाह लाहौर के भगवती चरण वोहरा के साथ हो गया। दुर्गा भाभी के श्वसुर शिवचरण रेलवे में ऊंचे पद पर तैनात थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब का खिताब दिया था। भगवती चरण वोहरा क्रांतिकारी थे, लेकिन पिता के कारण वो खुलकर देश के लिए काम नहीं कर पा रहे थे। पिता की मृत्यु के बाद ही वो पूरी तरह से अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ देश को आजाद कराने की क्रांति में कूद पड़े। उनका घर क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल बन गया। दुर्गावती सभी का आदर करती, स्नेह पूर्वक उनका स्नेह सत्कार करती, इसीलिए सभी क्रांतिकारी उन्हें भाभी कहने लगे थे और उनका ये नाम मशहूर हो गया। अपने क्रांतिकारी जीवन में दुर्गा भाभी ने खतरे मोल लेकर कई बड़े काम किए। उनमें सबसे बड़ा काम था लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले सॉन्डर्स पर गोली चलाने के बाद भगत सिंह को कोलकाता पहुंचाना। 19 दिसंबर 1928 का दिन था। भगत सिंह और सुखदेव सॉन्डर्स को गोली मारने के 2 दिन बाद सीधे दुर्गा भाभी के घर पहुंचे थे। भगत सिंह जिस नए रूप में थे, उसमें दुर्गा भाभी उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्होंने अपने बाल कटा लिए थे। हालांकि दुर्गा भाभी इस बात से खुश नहीं थी कि स्कॉट बच गया, क्योंकि इससे पहले हुई एक मीटिंग में दुर्गा भाभी ने खुद स्कॉट को मारने का ऑपरेशन अपने हाथ में लेने की गुजारिश की थी, लेकिन बाकी क्रांतिकारियों ने उन्हें रोक दिया था। लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज और उसके चलते हुई मौत को लेकर उनके दिल में काफी गुस्सा भरा हुआ था। इधर लाहौर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। दुर्गा भाभी ने उन्हें कोलकाता निकलने की सलाह दी। उस वक्त कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में चल रहा था और भगवती चरण वोहरा भी उसमें भाग लेने गए थे। इधर 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर जेल में ही जतिंद्रनाथ दास यानी जतिंदा की मौत हो गई, तो उनकी लाहौर से लेकर कोलकाता तक ट्रेन में और कोलकाता में भी अंतिम यात्रा की अगुवाई दुर्गा भाभी ने ही की। इधर उनके पति भगवती चरण वोहरा ने लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंकने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव समेत सभी क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना बनाई और इसके लिए वो रावी नदी के तट पर लाहौर में बम का परीक्षण कर रहे थे। 28 मई 1930 का दिन था। वो बम अचानक फट गया और भगवती चरण वोहरा की मृत्यु हो गई। दुर्गा भाभी को जबरदस्त झटका लगा, लेकिन वो जल्द ही उबर गई और देश की आजादी को ही अपने जीवन का आखिरी लक्ष्य मान लिया। वो 9 अक्टूबर 1930 का दिन था, जब दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली और उनके साथियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे हैली और उसके कई सहयोगी घायल हो गए, लेकिन हैली घायल होकर भी बच गया। इसके बाद दुर्गा भाभी बचकर निकल गईं, लेकिन जब मुंबई से पकड़ी गईं तो उन्हें 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के पास आखिरी वक्त में जो माउजर था, वो भी दुर्गा भाभी ने ही उनको दिया था। शहीद भगत सिंह जब कोर्ट जा रहे थे, तब भी दुर्गा भाभी ने ही अपने खून से उनका तिलक किया था। क्रांतिकारियों के शहीद होने के बाद दुर्गा भाभी ने एकांतवास ले लिया और अपने बेटे को पालने में लग गई। लाहौर से उन्हें जिला बदर कर दिया गया। ऐसे में वो 1935 में गाजियाबाद निकल आईं, जहां उन्होंने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। 2 साल के लिए कांग्रेस के साथ भी काम किया, लेकिन फिर छोड़ दिया। इसके बाद
उन्होंने मद्रास जाकर मोंटेसरी सिस्टम की ट्रेनिंग ली और फिर लखनऊ में कैंट रोड पर एक मोंटेसरी स्कूल खोला। शुरू में इस स्कूल में सिर्फ 5 बच्चे थे। आजादी के बाद उन्होंने सत्ता और नेताओं से काफी दूरी बना ली। 1956 में जब जवाहरलाल नेहरू को उनके बारे में पता चला तो लखनऊ में उनके स्कूल में एक बार मिलने आए। नेहरू जी ने उनकी मदद करने की पेशकश भी की। कहा जाता है कि दुर्गा भाभी ने विनम्रता से मना कर दिया। दुर्गा भाभी को मोंटेसरी स्कूलिंग सिस्टम के शुरुआती लोगों में गिना जाता है। 15 अक्टूबर 1999 को देश की बहादुर वीरांगना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।